आपको चेक करा कर दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, प्ले करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये इसमें बिल्कुल फिक्स है, ये बिल्कुल भी नहीं ले आई, ये बिल्कुल सही है हमारा, तो हम इसी को लगाएंगे। दूसरा, अगर हमारी गाड़ी में गियर प्रॉब्लम है तो हमारे ये सिलेक्टर हैं जो कट जाते हैं, इन्हीं की वजह से हमारा गाड़ी जो है गियर छोड़ने लगता है, इसको चेक करें। दूसरा, हमारा ये सलाई भी जो कट जाता है, इसकी वजह से हमारा जो एल्पम गियर है वो भी ख़राब हो जाता है, तो इसको हम नया चेंज करेंगे, नहीं डालेंगे एल्पम वाली जाए। हमने हीरो का जेनुइन राड मंगाया है तो हम इसको लगाएंगे, देख सकते हैं हमने हीरो का जेनुइन मंगाया है, देख सकते हैं फ़र्क इसमें, यहाँ से भी कट गया है ये, तो इसको हमें नया लगाना है। हमने हीरो का ओरिजिनल गियर लिया, देख सकते हैं हीरो का मोहर भी लगा है, तो हम इसको देखते हैं। एक तरफ हमारा जो है इसकी ज़्यादा निकली हुई है, एक तरफ थोड़ा कम निकला हुआ है, तो कम वाली साइड हमारी बाहर की तरफ रहेगी और ज़्यादा निकला हुआ साइड हो जाए वो अंदर तरफ रहेगा। इस तरीके से इसको लगा देंगे, इसको टाइट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है इसको, देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल भी ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, उस पर ज़्यादा हिल रहा था ये गियर हमारा। अब हमें को इसकी गियर की फिटिंग करनी है, ठीक इस तरीके से इसका बुश ये लगा देंगे, फिर यहाँ पे इसके बाद इसका वाशर लगेगा, ये thank you।